हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर करूंगी, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछनी है तो आप पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो आप में से जो भी फ्रेंड्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और जो मैं सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी के क्वेश्चंस पिक की हूँ। हालाँकि हमारी कम्युनिटी बहुत ही छोटी है, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो जितने क्वेश्चन हैं मैं सभी क्वेश्चंस को पिक की हूँ और सबका क्वेश्चन के आंसर दूंगी। आई होप आपको ये Q&A वाली वीडियो अच्छी लगेगी। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे Q&A वीडियो बनाई हूँ, इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आंसर देती हूँ। पहला क्वेश्चन इनका है हिरल शर्मा का। इन्होंने पूछा आप इंडिया में कहाँ से हो और आप साउथ इंडियन हो क्या? तो मैं इंडिया में कहाँ से हूँ, मैं इंडिया में बिहार से हूँ। बिहार में एक बहुत ही छोटी सी जगह है कटिहार, वहाँ से हूँ मैं। आई होप बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और जो लोग जानते होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बिहार से हूँ और बिहार में कटिहार से ही हूँ, और साउथ इंडियन मैं नहीं हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है इनका, हाउ डिड यू मैनेज द इनिशियल ईयर ऑफ H4 वीज़ा? तो H4 वीज़ा वाले जो भी यहाँ पे हैं, सबको ही पता होगा कि यहाँ की लाइफ कैसी है। पूरा दिन घर में ही रहना होता है, घर के काम, बच्चे, ये सब होते हैं। तो मेरी इनिशियल ईयर H4 वीज़ा कैसी थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि मैं अभी भी जॉब नहीं करती हूँ। पिछले 2 साल पहले मैं जॉब करती थी, बट मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। तो ठीक ही मेरा रहता है, मेरा पूरा दिन बिजी एंड प्रोडक्टिव रहता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। हालांकि बहुत ही हार्डली मुझे टाइम मिलता है कुछ भी करने का, जो कि सैटरडे संडे होता है। मंडे टू फ्राइडे मैं बिजी रहती हूँ। बट इनिशियल ईयर मेरे कैसे थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जब US आई थी, तो मैं 4-5 महीने, मुझे इतना बोरिंग यहाँ पे लगता था, इतना बोरिंग, दिन इतने बड़े लगते थे, जैसा लगता था क्या कि 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स हो गया है। 1 घंटा काटना बहुत मुश्किल होता है था। और शुरू में आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और बाहर निकलने में भी लगता है कि किससे बात करूं, यहाँ पे तो आपको कोई दिखते भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम ना बालकनी में बैठी रहती थी, कोई मुझे दिख जाए, मेरे फ्रेंड्स दिख जाए तो मैं बात करूँगी किसी से, तो मुझे उतना कोई नहीं मिलते थे बात करने के लिए। हालांकि मेरी उस समय कम्युनिटी में बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स थे, बट मेरी बहुत लोगों से दोस्ती नहीं हुई थी। तो मेरे जो इनिशियल ईयर थे बहुत ही क्रिटिकल थे, बहुत ही टफ थे, बहुत इमोशनल थे। और साथ ही साथ 4 महीने के बाद, कि मैं उस समय, मुझे लगता था क्या कि मैं क्या करूं, तो पूरा दिन मैं बिजी रहने के लिए मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो पढ़ाई स्टार्ट मैं क्या की थी, बस मैं जो इंडिया से बीएड में एडमिशन ली थी वो सारे बुक्स लेके आई थी, तो वो सारे बुक्स मैं पढ़ती रहती थी। कुछ दिनों के बाद वो बुक्स भी ख़त्म हो गए थे, मुझे उसका एग्ज़ाम देने के लिए इंडिया जाना था, बट मैं नहीं जा पाई थी इंडिया एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर मैंने अपनी मेरा बुक्स वो सब ख़त्म हो गए, तो मुझे लगा कि दूसरा एग्ज़ाम देंगे तभी तो दूसरा बुक आएगा। बट मैं उसी में बिजी रहती थी, बेसिकली कुछ नहीं, घर के काम, पढ़ाई, और यही सब मैं बिजी रहती थी, ज़्यादा कुछ नहीं रहता था। और फ्रेंड्स तो होते ही नहीं थे यहाँ पे उस समय, तो मेरे लिए इनिशियल ईयर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद MBA आ गई, तो MBA में बिजी रहने लग गई। तो इस तरह से टाइम कटता चला गया। जब MBA 3 साल की हुई, तो फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो मेरे पास हमेशा से बिजी रहने के लिए मेरे पास एक रहता था कि मैं, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं उसी में बिजी रहती थी। तो मेरे इनिशियल ईयर ऐसे ही थे यहाँ US में। और तीसरा क्वेश्चन है इनका, अलका श्रीवास्तव का। ये पूछ रही हैं, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द होम अवे फ्रॉम होम इन USA, वी मिस आवर होम एंड कंट्री, हाउ टू डील विथ दिस? सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अपने घर को, अपने फेस्टिवल को, मम्मी को, पापा को, रिलेटिव्स को, छोटी छोटी चीज़, बहुत चीज़ मिस करते हैं, बहुत चीज़। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि कैसे आप इसको मैनेज करें। तो सबसे पहली बात कि आपके इंटरेस्ट क्या है, उस चीज़ के इंटरेस्ट में अगर आप बिजी रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी ना होम अवे वाली फीलिंग नहीं आएगी। जैसे कि मुझे पढ़ने में मन लगता था तो मैं पढ़ती रहती थी, तो मुझे ना
हाँ वो अलग बात है कि कुछ फेस्टिवल आप 24 घंटा तो नहीं पढ़ेंगे, एक समय तो आएगा ही ना कि आपको ना घर की याद आती है, मम्मी की याद आती है, तो बट ऐसे देश में रहने से आपको घर वालों की याद आती है अपन है तो आप क्या ही कर सकते हैं। बट लेकिन हाँ आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, उस चीज़ में बिजी रहो तो फिर आप इस चीज़ से टैकल कर सकते हो। मेरे लिए था बहुत ईजी था, मुझे पढ़ना था, पढ़ने में इतना टाइम देती थी ना, तो मेरे पास जो टाइम बचते थे बस मैं इंडिया के टाइम होता था घर बात करती थी पूरा, और फिर जाके पढ़ाई में बिजी हो जाती थी। घर के काम यहाँ पे भी बहुत होते हैं तो उसमें बिजी रहो। तो इस तरह से आप अपने जो होम मम्मी वाली सिकनेस है उससे बाहर आ सकते हैं, उस और हेल्प कर सकते हैं खुद को। जैसे कि आजकल तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस बनानी अच्छी लगती है मेरी तरह तो आप वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल सकते हो। इसमें आप इतना बिजी रहोगे ना तो आप को होम अवे वाली फीलिंग नहीं आएगी। सच में ऐसी कुछ चीज़ें निकालो खुद के लिए कि ना आपको बिजी रहने का मौका मिले, और आपको मतलब कि सच में आप खाली बैठोगे ना तो बहुत याद आती है उस समय ना, वो लगता है इमोशनल जो आपका कंट्रोल है ना आपके हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए बिजी रहो, ऐसी चीज़ में बिजी रहो जो आपको अच्छी लगती है। तीसरा क्वेश्चन है सोनी का, और इन्होंने पूछा है जब आप वहाँ गए थे तो इनिशियल क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था हर फील्ड में, लाइक होम मैनेजमेंट, लोनलीनेस, क्या क्या एडजस्टमेंट किया आपने खुद को बैलेंस करने के लिए, क्या चीज़ मोटिवेट करती थी वहाँ भी हर सिचुएशन को हैंडल करने में। बहुत सारा सवाल किया मैंने, मैं क्यूरियस हूँ अबाउट इस चीज़ को लेके। आप बहुत मस्त पॉजिटिव रहते हो हर सिचुएशन में, प्लीज़ गाइड। तो हाँ सिचुएशन को मैनेज करना पड़ता है आपको। आपने पूछा कि इनिशियल ईयर, इनिशियल ईयर मैंने जवाब दिया कि इनिशियल यहाँ ईयर यहाँ पे मेरी कैसे थे। तो और दूसरी बात है कि हर सिचुएशन को कैसे मैनेज किया मैंने, तो हर सिचुएशन आती जाती है और हम मैनेज करते करते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, बस आपको ना खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हर सिचुएशन को आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन बड़ी हो छोटी हो। खुद भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, भगवान मुझे हिम्मत दो, हिम्मत दो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो हाँ पॉजिटिव रहने के लिए खुद को ये बोलना पड़ता है कि आई कैन डू दिस, और हर कुछ आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैं एक ही सवाल, इस सवाल मतलब ये बहुत बहुत सारा सवाल है इसमें। लोनलीनेस यहाँ मुझे बहुत था, बहुत ज़्यादा था, मुझे किसी से बात करने के लिए शुरू में यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो आप किसी से मेरी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी लोगों से नहीं होती है। मुझे फ्रेंड्स पर किसी को दिल से फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है, पर एक बार मेरे फ्रेंड्स जो बन जाते हैं फिर वह लाइफ लॉन्ग होते हैं। अब बट लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, उससे जब मैं मुझे बहुत लोनलीनेस फील होता था तो मैं उसको कॉल लगाती थी, 2-3 घंटे बात करती रहती थी। और इनिशियल टाइम में मैं ना ज़्यादातर ना मूवीज़ देखा किया करती थी, उस समय मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि अभी भी नहीं है, काम चला लेती हूँ इतनी है। तो मैं इंग्लिश मूवी देखा करती थी, सीरीज देखा करती थी, तो उससे मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। बहुत सारे इंग्लिश के न्यूज़ सुना करती थी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ में बिजी रहती थी ना जहाँ से कि मुझे खुद के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, नहीं है, कोशिश करती हूँ अच्छी करने का। तो इन सब चीज़ों में मैं बिजी रहती थी ना तो मुझे उतना पता नहीं चलता था। कुकिंग का बहुत ज़्यादा मुझे ये है, तो कभी कभी खाने में ये बनाती थी, वो बनाती थी, यूट्यूब वीडियो देखा करती थी, इन्हीं सब को लेके मेरे बहुत सारे टाइम निकल गए। फिर आम भी थी, तो आम भी जब छोटी थी बहुत ही बदमाश थी, पूरा दिन पूरा रात नहीं सोती थी। उस समय जब मुझे लगता था कि 24 आवर्स 48 आवर्स हो गए हैं, तो मुझे लगता था भगवान जी सच में 48 आवर्स कर दो, वो सोती ही नहीं थी। मैं पूरा दिन रात जगी रहती थी उसके चक्कर में, उसको बेड पे सुलाओ तुरंत उठ जाती थी। तो मेरा रात और दिन पूरा एकदम ये होता था, मेरा बैक पेन, मेरे शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस समय। तो मुझे लगता था उस समय कि मैं कैसे इसको ये करूँ। तो थोड़ा सा अम्बी के टाइम में मुझे दिक्कत हुआ था, वो सोने में उसका सोने का उसका हैबिट अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे करके सारी कुछ मैं ऐसे ही मैनेजमेंट मैं करती रही। समय आता गया, जैसे जैसे समय ने मुझसे जो मांगा, जैसा
सिचुएशन था उस सिचुएशन को मैंने हैंडल किया इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि का, ये पूछ रही है आई वुड लाइक टू नो यू अबाउट योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग एंड टेल अस अबाउट योर मैरिज, इट वाज लव और अरेंज मैरिज, आप कैसे मिले और आपके हस्बैंड क्या करते हैं एंड हाउ ऑफन डू यू विजिट इंडिया टू मीट योर फैमिली। तो मेरी इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा यूट्यूब वीडियोस बनाना, कुकिंग करना, हेल्दी कुकिंग करना एंड पोएम लिखना और माइंड में बहुत सारी स्टोरीज बनाना। अगर मुझे वो पेपर पे लिखने का मिल जाए मौका तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगी। स्टोरीज पोएम एंड थॉटफुल्स विचार जो आते हैं मन में उनको मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अच्छे अच्छे फ्रेंड से बातें करना या और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे स्टिचिंग आती है, क्रोशियो आती है, स्वेटर बनाने आता है, खाना बनाने आता है। बुक्स में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं बुक पढ़ लेती हूँ जो कि कॉलेज के बुक होते हैं स्टडीज़ के। एंड ट्रैवल करना पसंद है, ट्रैवल करना, बहुत जगह घूमना, अच्छे अच्छे खाना खाना पसंद है। तो हाँ, और अच्छी अच्छी खाने बनाना मुझे, ये सब मुझे अच्छा लगता है। और मेरी मैरिज फुल अरेंज मैरिज है, मैं अपने हस्बैंड से पहली बार इंगेजमेंट के दिन ही मिली थी। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर में है, वो इंजीनियर हैं। और मैं इंडिया कितने बार जाती हूँ, मैं हर साल नहीं जाती हूँ, हालांकि आपको पता ही है मेरे कॉलेज और क्लासेस चलते हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ। इधर 2-3 साल से तो नहीं गई हूँ, मैं सोच रही हूँ इस साल प्लान करती हूँ जाने का, तो देखती हूँ क्लासेस ख़त्म हो जाए और मैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनरोल ना करूँ तो होपफुली मैं जा पाऊँ। तो हाँ, तो मतलब कि मैं, जैसे आप बोलो कि ईयरली विजिट करती हूँ इंडिया, ऐसा नहीं है, मैं ईयरली नहीं जाती हूँ। एक और क्वेश्चन है निवेदिता का, निवेदिता आपने पूछा है हाय श्वेता, इट्स वंडरफुल टू सी यू ग्रो एज ए यूट्यूबर, थैंक यू, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर ड्राइविंग जर्नी इन US एज आई हैव बीन इन सिमिलर सिचुएशन, ऑल्सो लेट अस नो अबाउट योर फैमिली इन इंडिया एंड गिव अस द होम टूर। होम टूर डेफिनेटली मैं दूंगी। और इंडिया में मेरे फैमिली में मैं 4 भाई बहन हूँ, मेरे भैया हैं वो बैंक में जॉब करते हैं, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरी सिस्टर है, उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है और वो भी अभी पढ़ाई करके जॉब ढूंढ रहा है। और ड्राइविंग जर्नी के बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं, तो मेरी और आपकी सिचुएशन बोल रहे हैं सेम है। मुझे लगता है कि ड्राइविंग अगर मेरे जैसा आदमी सीख गया ना, तो दुनिया का कोई भी आदमी ड्राइविंग सीख सकता है। तो बहुत बहुत मेहनत लगी मुझे ड्राइविंग सीखने में, यहाँ 1 साल लग गया मुझे ड्राइविंग सीखने में। मैं डेली प्रैक्टिस करती थी सुबह शाम। इनिशियल मैंने 10 क्लास लिए थे, जो ट्रेनर होते हैं जिनके पास उनकी कार जो लेके आते हैं, उनसे मैंने 8 क्लास लिया था। 9-10 क्लास में वो मुझे हाईवे पे लेके चले गए थे, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं उतनी ट्रेन नहीं थी, हाईवे पे लेके जाना अच्छी बात नहीं है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो बोले कि ठीक है अब उसके साथ नहीं जाने का। और मैंने वो क्लास बंद किया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो मैं सुबह में ड्राइव करती थी और शाम को ड्राइव करती थी। तो शाम के समय आप ऐसी जगह पे जाएं जैसे हॉस्पिटल हो गए, उनके जो पार्किंग एरिया होते हैं, वर्किंग आवर के बाद हॉस्पिटल का जो एरिया होता है ना, वो पूरा खाली होता है, तो आप वहाँ पे ना कार पार्क करना स्टार्ट करो। और उसके बाद जो वहाँ पे 3-point turn होता है वो लेने के लिए सीखो, बैक ड्राइव, रिवर्स ड्राइविंग करना सीखो और बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे पार्किंग की प्रैक्टिस तो आपको कम से कम ड्राइविंग टेस्ट देने के जाने के पहले 100 बार तो आपको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग अच्छी आनी ही चाहिए। और उसके बाद 3-point turn आनी ही चाहिए और हार्ड ब्रेक देना आना ही चाहिए। ये सब मतलब कि रैंडम चीज़ें हैं जो कि आपको रैंडम जगह पे, जैसे स्कूल हो गए तो स्कूल का आप ऐसी जगह ढूंढे जहाँ की पार्किंग एरिया जो काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे अपने कार को ना ऐसे सर्कल में घुमा सकते हो, पार्किंग कर सकते हो, 3-point turn ले सकते हो, ऐसी सब जगह पे। और कोशिश करो जिस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होती है रोड पे निकलो और काफ़ी प्रैक्टिस करो। कम से कम डेली आपको ना 1 घंटा कार ड्राइविंग करनी ही करनी है,
सुबह में करो, शाम को करो। जितनी ज़्यादा ड्राइविंग में प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइविंग अच्छी होगी। तो ड्राइविंग के लिए एक ही रूल है, मतलब कि कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस ऐसे ही आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और डर सबसे पहला लगता है ड्राइविंग के लिए, कि अगर सामने से कोई कार आ रहा है और आपको भी जाना है तो उस समय लगता है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और उस समय डर लगता है। तो हमेशा जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स के बारे में जानो कि जो पहले आते हैं उनका टर्न होता है उनको लेफ्ट राइट या स्ट्रेट जाने का, अगर आप बाद में आए हैं तो आप वहाँ पर टर्न ले सकते हैं। ये सब कम्युनिकेशन होती है ड्राइवर के साथ। आप जब ड्राइवर सीट पर बैठती हो तो आपकी कम्युनिकेशन आपको खुद ही आ जाती है, और ये सब तभी आएगी जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। और मैं इंडिया में कभी ड्राइविंग नहीं की थी, जहाँ जिसके कारण मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा। तो अगर इंडिया में की होती तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इंडिया में तो मैं बस वॉमिट करती थी, कार में सो के जाती थी, उठ के आती थी। बट लेकिन हाँ, अब यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, उसके बाद मेरी ड्राइविंग थोड़ी अभी अच्छी हो गई है, तो मैं खुद का काम कर पाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, श्वेता का। ये पूछ रही हैं, कैन यू शेयर हाउ यू स्टार्टेड टू मेडिटेट? आई टेंड टू गेट लॉस्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस, थैंक्स। और चलिए इसका मैं आंसर पहले कर देती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, मतलब 1-2 साल हो गए हैं, बट मुझे, मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, जब भी टाइम मिलता है वैसे मैं कर पाती हूँ। ऐसे अभी मैं जो ईशा के सेंटर गई थी, ये लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, ट्रैवल ब्लॉग में, तो वहाँ से मुझे ना बहुत सारी बातें अच्छी लगी। मेडिटेशन, ऐसे सबको पता है मेडिटेशन करने से क्या होता है। मेडिटेशन करने से आप के जो माइंड होते हैं, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो मैं मेडिटेशन बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं अभी ये इसी 1-2 महीने से कर रही हूँ। मैं पहले वीक में 1 या 2 या 3 बार करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेली नहीं कर पाती थी। तो हाँ, कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस फील किया करती थी, हर चीज़ में डाउट किया करती थी, खुद को गिल्ट में रखा करती थी कि ये नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती हूँ, ये नहीं आता मुझे, वो नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, ये नहीं आता, सो मेनी थिंग्स। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना, कि आप खुद पे कंट्रोल कर पाते हो कि आपको करना क्या है, आप अपने गुस्सा पे कंट्रोल कर पाते हो, खुद के थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हो। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ये जो हमारा माइंड है ना, ये मंकी है, मंकी की तरह इधर जम घूमता है, उधर घूमता है, इसको हर चीज़ में ना खुशी चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। तो इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम इसको कैसे घुमाएं। आपका ब्रेन जो चीज़ में मेहनत है वहाँ पे ये मेहनत करना नहीं चाहता है, और ये बोलेगा चलो मूवी देखने, चलो ये खाने वो खाने, पढ़ने के लिए बोल दो तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। तो हमारा माइंड ऐसा है, तो अपने माइंड को कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन इज द की। मेडिटेशन अगर करते हैं तो इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। हालाँकि मैं उतने प्रो लेवल की नहीं हूँ, बट लेकिन हाँ, मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा फील होता है, अपने आप में पॉजिटिव फील होता है, और जो गुस्सा होता है, मैंने गुस्सा पे कंट्रोल किया, अपने डाउट्स जो होते थे उनको मैंने कंट्रोल किया, बहुत कुछ सीखा मेडिटेशन से। मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, कर रही हूँ। और मैं, मेरे से भी लॉस्ट हो जाती हूँ मेडिटेशन करते समय, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ही अच्छा हो गया है। मैं और प्रैक्टिस करूँगी और अच्छा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और श्वेता का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रेसफुल वॉज द एप्लीकेशन प्रोसेस इन US, हाउ एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट माय स्टडीज एंड यूट्यूब। तो एप्लीकेशन प्रोसेस तो बहुत ही, यहाँ पे US में के जो होते हैं स्ट्रेसफुल होते हैं, सबको ही पता है, वीज़ा है, ये इंटरव्यू है, बहुत कुछ है, इसके तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। बट मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे इंडिया से यहाँ पे अकेले आना था, और मैं जैसा कि बताई कि इंडिया में एक छोटे से जगह से हूँ, बिहार से हूँ, मैं अपने गाँव से कहीं बाहर नहीं गई थी,
कहीं भी जाना होता था पापा मम्मी भैया इन लोग के साथ जाया करती थी, अपने से अकेले कभी नहीं निकली थी। तो मुझे इनिशियल जब मुझे वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा था, पहली बार अपने गांव से निकल के मैं दिल्ली गई थी इंटरव्यू देने के लिए वीज़ा इंटरव्यू। ओह माय गॉड, दैट वाज द रियली मैं टफ टाइम में याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं गांव से निकल के कहीं बाहर नहीं गई हूँ और मैं जाके सीधा दिल्ली में इंटरव्यू देने गई थी। मेरे हस्बैंड को लगता था क्या कि लड़कियाँ जो होती हैं ना वो सब कुछ कर सकती हैं, बस उनको बताना होता है यू कैन डू इट। तो मेरे हस्बैंड ने ही मेरे लिए फ़्लाइट बुक किए थे, वो भी मैंने फ्लाइट से गई थी पहली बार। और अपने अकेले जाना, ऐसे तो मैं जाती थी हर जगह बट मैं अकेले कभी नहीं गई थी। तो मैं उस समय गई थी वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई थी, फिर उसके बाद में इंडिया से US अकेले पहली बार अकेले भी आई थी। तो ये सब चीज़ें मुझे याद आती है तो मुझे लगता है सच में रियली कि कितना टफ था, मैं सब कर ली। तो अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और आप पे जो विश्वास करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड को लगता है कि भाई लड़कियां कुछ भी कर सकती है, उनको सिर्फ बता दो ये करना है तो वो कर लेंगे। तो हाँ ये था। और मेरे फ्यूचर प्लान क्या है अबाउट स्टडी एंड यूट्यूब, तो मेरा प्लान है मुझे मास्टर्स करने हैं, PhD करने हैं, बट आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, कब तक लगेगा, कैसा लगेगा, ये सब भगवान के हाथ में है, मैं उनके ऊपर छोड़ दी हूँ। होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी। ऐसे मैंने मास्टर के लिए एप्लीकेशंस दिए थे, मेरे रिजेक्ट हो गए, मैं फिर से एक बार इस ईयर फिर से अप्लाई करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। तो हाँ पढ़ाई को लेकर मेरे वो प्लान्स हैं। और YouTube का मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं YouTube वीडियोस बनाऊंगी, YouTube पे आऊंगी, ये ऐसे ही YouTube पे मेरा प्लान बन गया आने का। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है, मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं YouTube पे क्यों आई और YouTube वीडियो बनाना क्यों शुरू की। तो इतने सारे इतना बिजी होने के बाद भी पढ़ाई को लेके, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। हाँ तो YouTube का मेरा आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा ये, बट लेकिन मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है एज ए पैसन, और मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज मैनेजमेंट करने में अच्छा लगता है। तो YouTube जो है मेरा पार्ट ऑफ टाइम है, लाइक स्टडी के साथ मैं YouTube वीडियो भी बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एज अ हॉबी एज अ पैसन। तो ऐसे मैं इसको कर रही हूँ, अब ये जहाँ तक जाए तो इसको मैं वहाँ तक कंटिन्यू करूँगी। एक और क्वेश्चन है इनका, अ लॉट मोर हॉप बट ही इज स्टडिंग एंड हाउ वाज योर होम बाइंग एक्सपीरियंस। तो होम बाइंग एक्सपीरियंस तो अच्छा था, यहाँ पे सब कुछ इजी वे में हो जाता है, जस्ट अब यू हैव टू गो थ्रू द एजेंट एंड गो द हाउस टूर, यू हैव टू लुक फॉर द सर्च बाय द एरियाज स्कूल एंड लोकेलिटीज़ कैसी है ये सब देखना होता है। और आपको बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब से स्कूल देखनी होती है, स्कूल की रेटिंग कैसी होती है। और घर खरीदना यहाँ पे सच में इंडिया जैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बस आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ सकते हो, स्कूल्स देख सकते हो, कॉलेजेस देख सकते हो, और एटलीस्ट एलिमेंट्री स्कूल से आपके 10th तक तो देखना ही चाहिए कि स्कूल कैसा है, एरिया क्या है कैसा है, उसी हिसाब से आपको घर बाई कर परचेज करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर में हैं और वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और वो क्या पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप मेरी वीडियो में ब्लॉग में सुनते होंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो हमेशा ही पढ़ाई करते रहते हैं, उनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी चीज़ें आते रहती है मार्केट में, तो वही वो करते रहते हैं। अभी CFA पढ़ रहे हैं और उनका क्वांटम फिजिक्स में मास्टर करने का है मन, तो वो करेंगे, तो वो उनका प्लान है। एक साथ MBK स्टडी चल रही है, मेरी चल रही है, तो ऐसे ही हमारी एक सैलरी में नहीं होता है। तो मेरी एजुकेशन ख़त्म हो जाए तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका प्लान है, उनको भी कुछ करना है, या तो क्वांटम फिजिक्स में करना है, और या फिर वो सोच रहे हैं CFA और मे बी फिनेंस में कुछ करना है। तो लेट्स सी, और बट लेकिन हाँ वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। अभी उनको सर्टिफिकेशन देना था, काफ्का क्लाउड एजियोर ये सबको सर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो उसके लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे ही मार्केट में जो न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है तो वो पढ़ाई करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी कोर्स में इनरोल है और वहाँ से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ रहे हैं, खुद के लिए पढ़ते हैं, खुद को चीज़ें नई चीज़ें सीखने के लिए,
रजनी भारद्वाज ने इन्होंने पूछा है, कुछ भी बता दो मैं सुनने को तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मैंने आपसे बोला था कि आप भी कुछ क्वेश्चन पूछो तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, तो आपके क्वेश्चन मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये था मेरे कमेंट्री पोस्ट के सारे क्वेश्चन, सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चन जो मैंने आंसर किए हैं। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फैक्शन मिला होगा। और भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।